थैंक यू सो मच जागृति जी। ये बना है एम साइज़ का मेरा कार्डिगन जो अभी बन के कम्प्लीट हुआ है। तो आप लोगों के साथ मैंने इसकी मेजरमेंट अभी शेयर की कि किस तरह से मैंने बनाया है। कल मैंने आपको इसकी पट्टी बताई थी जो कि मैंने क्रोशिए से बनाई है। और इससे पहले जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न की आपको मेरे चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी। और ये पैटर्न भी मैंने आपको लाइव भी बताया है। और इसके जो शोल्डर कैसे ज्वाइन होते हैं, इसका जो गला कैसे बनता है, इन सब की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यदि कोई मेरे चैनल पे अभी न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी वीडियो को। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा है। यदि किसी ने निट करवानी हो इस तरह का कार्डिगन तो मुझे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो इससे पहले मैंने लाइव आपको ये कोस्टर सेट भी बताए थे जो कि मल्टी कलर में बने हैं इस तरह के। और यदि आपने लाइव जुड़ के नहीं सीखे तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे डल चुकी है, इस वाले कोस्टर सेट की। और जो मैंने हार्ट शेप में बनाए हैं, मैं आज भी आपको बता रही थी हार्ट शेप के कोस्टर सेट, ये देखिए इसके भी मेरे सारे पीसेस बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये भी मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो जल्दी ही डाल दूँगी। और इस तरह से मेरा ये जो मेरे पेंडिंग प्रोजेक्ट थे ये मेरे आज ही कंप्लीट हुए। एक मेरा लेडीज़ कार्डिगन था और ये मेरे जो मल्टी कलर में जो मैं बना रही थी कोस्टर सेट, ये भी मेरे कंप्लीट हो चुके। और हार्ट शेप वाला कोस्टर सेट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और एक मैं एक और न्यू प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो मैं शुरू कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। बहुत ही लेटेस्ट और यूनिक सा आइडिया है, देखिए मैं आप लाइन जो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये किसी ने मुझे पिक भेजी थी इस कार्डिगन की, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कहीं पे भी ये वाला नहीं मिला मुझे कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट शुरू कर रही हूँ, यानी कि शुरू मैं कर चुकी हूँ। पहले मैं देख रही थी कि बनेगा है या नहीं। तो देखिए बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। मैंने इसमें फ्रंट पॉकेट रखा है घेरे वाला इसका मेरा, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये है फ्रंट साइड मेरी कोटी का। तो बहुत ही यूनिक और लेटेस्ट ये डिज़ाइन है। यदि कोई आप लोग इसको भी बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप भी जुड़ सकते हैं। यदि कोई पूछना चाहता है कैसे ये स्टार्ट होती है, कैसे ये बनती है, तो अब मैं हर रोज़ दिन में 1 बजे और शाम के टाइम लाइव ज़रूर आती हूँ। तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वारीज हो तो आप पूछ सकते हैं और आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये भी है जो मेरा, मैं आपको साइज़ बता देती हूँ कि किस साइज़ के लिए मैं इसको बना रही हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस साइज़ के लिए हम बना रहे हैं। देखिए 9.5, ये भी 36 to 38 साइज़ के लिए एम साइज़ का ही कार्डिगन बनेगा। लॉन्ग बनेगा, ये हिप तक इसकी लंबाई आएगी। तो देखिए अभी तक इसकी लंबाई है जो कमर तक मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। कमर के पास मैं ये वाला पैटर्न इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद मैं आर्म होल इसमें नए स्टाइल से बनाऊँगी। तो यदि आप भी इसको सीखना चाहते हैं मेरे साथ साथ तो जुड़िए रहिए मेरे साथ। और एक और मैं न्यू प्रोजेक्ट आज बना रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने आज ही आप लोगों के साथ ही दिन में 1 बजे लाइव आपको बता रही थी कि किस तरह से हमें ये बनाना चाहिए। ये है बेबी बॉय के लिए छोटी सी प्यारी सी जैकेट। और देखिए बहुत ही लाइट से और बहुत ही सुंदर से कलर में मैं इसको बना रही हूँ। तो इसको तो मैंने आपके साथ ही बनाया है और क्रोशी से मैं इसको बना रही हूँ। ये वाला पोर्शन मेरा बनके रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने 108 चेन नीचे रखी है और 108 चेन के बाद मैंने इसको देखिए यहाँ तक इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर हमने इसके 3 पार्ट किए हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने के बाद फ्रंट के 2 पार्ट इक्वल उसमें हमने रखने हैं और बैक का 1 पार्ट। फिर हमने देखिए इस तरह से इसकी आर्म होल की शेप देने के बाद अब मैं ये वाला फ्रंट का एक वाला भाग मैंने बना दिया है। फिर हमें बाद में इसको फ्रंट का ये वाला साइड भी इसकी बनानी है। तो ये है मेरे पेंडिंग प्रोडक्ट जो मैं बना रही हूँ। देखिए किस तरह से बनता है।